उज्जैन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। सागौन की लकड़ी पकड़ाई। अब्दुल्लागंज वन मंडल क्षेत्र में सुल्तानपुर के पास ग्राम नीम धाना में अवैध सागौन की इमारती लकड़ी जिसकी कीमत लगभग 3,80,000 रुपए की बताई गई। अब्दुल्लागंज वन मंडल क्षेत्र के सुल्तानपुर के पास चिलवाहा रेंज के अंतर्गत ग्राम नीम धाना में करीब 3,80,000 रुपए की अवैध 56 नग सागौन के इमारती लकड़ी पकड़ी गई है। सुल्तानपुर रेंज आर के वर्मा ने बताया कि आला अधिकारियों को सूचित किया गया था कि नीम धाना में अवैध क्षेत्र का जखीरा तत्काल कार्रवाई करें। सूचना प्राप्त होते ही सुल्तानपुर रेंजर ने तत्परता दिखाते हुए एक नीम धाना में जसवंत सिंह रमेश के घर छापा मार कार्रवाई की। 55 नग सागौन की इमारती लकड़ी जब्त की गई। 5 चौखट, 15 चौकोर सिल्ली, 36 गोल गुल्ले शामिल है। यह पूरा मामला माल 1.55 घन मीटर का बताया जा रहा। वन विभाग के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत 3,80,000 रुपए बताई गई। नक्सारा रोड पर नीम धाना करके गांव है, वहां से ये सामान जब्त किया है जसमंद और रमेश पूर्वी के घर से ये सामग्री जब्त करी गई है। 5 चौकते हैं, कुछ चरपट हैं, कुछ गोरा लकड़ी भी है, करीब 1.5 घन मीटर माल। सर, इसकी मुखबरी थी। अशोकनगर से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जिले के डूंगाचारा गांव में पठार पर 2 दिन पूर्व संपन्न हुए 12 कुंडीय ब्रह्म यज्ञ की यज्ञशाला में अचानक आग लग गई। इस घटना में यज्ञशाला के करीब 75 फीट से हिस्से में बांस एवं बल्ली जलकर राख हो गए। अशोकनगर, ईशागढ़, साडोरा एवं गुना से पहुंचे करीब आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है यज्ञशाला से लकड़ी एवं बांस निकालने का काम चल रहा था। हवन कुंड के पास लगे दीपक से यह आग लग गई घटना होनी बताई गई। घटना की सूचना मिलते ही ADM अनुज रोहितगी और साइडोरा के तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। गनीमत रही कि घटना घास एवं लकड़ियों के जलने के अलावा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। गाडरबारा से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। खनन माफियाओं ने किया पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। हमले में बाल बाल बचे सीहोर चौकी के प्रभारी कृष्णा मबाई। खनन माफियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान खनन माफियाओं ने पुलिस कार्रवाई करने पर SI समेत अन्य स्टाफ पर किया जानलेवा हमला। हमले में बाल बाल बचे सिहोरा थाना प्रभारी कृष्णा मबई। यह रेत खनन माफियों की गाड़ी रोकने आई ASI की टीम पर बुरी तरह से पिटाई कर दी और दरअसल पीड़ित ASI मबई गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने रेत से लदी गाड़ियां देखी और गाड़ी रुकवाकर जब अवैध खनन माफियाओं से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने सीहोर चौकी के प्रभारी SI कृष्णा मबई पर जानलेवा हमला कर दिया। माफियाओं के चुंगल से किसी तरह बचकर मबई पुलिस स्टेशन पहुंचे। बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। TI रामपाल ठाकुर ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। जो हमारे चौकी प्रभारी है कृष्णा मावेल, ये रेत परिवहन के संबंध में कार्रवाई करने गए थे तो वहाँ पर उनको एक डंपर मिला जिसको रोका तो रुका नहीं। फिर उन्होंने अपने स्टाफ के साथ इसका पीछा किया तो वो करेली तरफ मुड़ गया। करेली से फिर वो मुड़ के गाढ़ावारा तरफ आया और लगातार वो पीछा करते रहे। फिर एक कॉलोनी में जाके डंपर उसने खड़ा किया और वहाँ से जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ जाके वो बैठ गया होगा। थाना जो चौकी प्रभारी है वो पीछा करते करते वहाँ पहुँचे तो वहाँ रमाकांत कौरव को जब वहाँ से ले जाने लगे तो कुछ लोग जो वहाँ बैठे हुए थे संजय कौरव, अजब सिंह वगैरह, इनने विरोध किया। इसके विरोध में पुलिस के साथ उनने झूमा झटकी भी की और मारपीट भी की। गाडरवारा से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। कोयले की धूल से तिल तिल कर मर रहे हैं लोग। स्थानीय शासन प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों ने साधी चुप्पी। गाडरवारा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक
दो पर भारी वाहन एवं कोयले की डंपिंग के परिचालन से उड़ने वाली कोल डस्ट एवं धूल से गाडरबारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लोग परेशान हो चुके हैं। सड़कों से पानी का छिड़काव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा, इससे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार करते लोगों ही नहीं बल्कि आसपास के लोग काफी हलाकान हैं। समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। आए दिन कोल डस्ट लोगों के लिए मौत बनकर सामने आ रही है। कोल्ड डस्ट से आए दिन लोग अस्थमा, दमा, श्वास की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इससे नाराज लोगों ने अब आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। पानी का नियमित छिड़काव नहीं होने के कारण समस्या और गहरा गई है, क्योंकि जहां छिड़काव किया जाता है वहां सड़क जल्दी सूख जाती है, थोड़ी देर में डस्ट फिर उड़ने लगती है। ना तो शासन और ना ही प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ कर रहे हैं। गाडरबारा से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। में प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और आपने हम लोगों का भी ध्यान आकर्षित करवाया, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी और प्रशासन से भी बात करूंगी कि इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर ढूंढें, जिससे कि आम आदमी की जो परेशानी है वो दूर हो। कि डस्ट लगातार उड़ती है तो उसके महीन पार्टिकल्स उसके फेफड़े में जाते हैं, और जो कि फेफड़ों में जमा होते हैं, जिनके निकलने का कोई सिस्टम होता नहीं है प्राकृतिक रूप से, और उनके जमा होने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। धीरे धीरे लगातार जमा अगर होते हैं तो न्यूमोकोनियोसिस करके एक बीमारी होती है, जिससे कि पूरे शरीर की क्षमता कम होने लगती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और विभिन्न प्रकार के उसके परिणाम शरीर के ऊपर नुकसानदायक शुरू होते हैं।